आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर यूपी के जनपद बलिया से है। बलिया के एक सैनिक का हार्ट अटैक से मौत। हल्दी थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव के निवासी सैनिक की पार्थिव देह गृहग्राम पहुंचते ही कोहराम मच गया। परिजनों का रोते रोते बुरा हाल था और दरवाजे पर ढाढ़स बधाने वालों का तांता लग गया। सभी ने सैनिक को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। सुजीत प्रजापति 40 वर्षीय की तैनाती जोधपुर में थी, जहां हार्ट अटैक आने के बाद साथी जवानों ने अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और फिर आर्मी के जवान रविवार की देर शाम शव को लेकर गाँव पहुँचे तो कोहराम मच गया। न्यूज 9 भारत के लिए बलिया से सुनील यादव की रिपोर्ट। क्या बात हुई थी आपसे? बस वही थी कि तबीयत खराब है, पागल हॉस्पिटल, हम इसमें एडमिट नहीं हो सकते हैं, हमको पागल में घोषित कर देंगे, इसीलिए अब जाएंगे अपने यूनिट में तो हम हो जाएंगे। बस कल परसों की बात हुई थी, बोले कि रेनु मेरे तबियत बहुत खराब है, जा रहे थे, हम उसको बोले कि अब बाहर से दवा ले लीजिए, फिर भी मेरे बात नहीं सुने। किस पोस्ट में थे आप? सिग्नल कोर में थे। और कुछ कह रहे थे? और हमसे कुछ बात नहीं, बस सिंगल कोर में थे वो। कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की है। अरे हमको अगले महीने ले जाने वाले थे। आपका? अभय कुमार जी। मेरे पापा के साथ बीमार हो गए थे, उसलिए भर्ती से हॉस्पिटल में और देख साथ रहते थे। क्या उनकी यादें आ रही है आपको? बहुत सी यादें आ रही है। कब बात हुई थी फोन से? दो दिन हुए। क्या कहे थे पापा फोन पे? कुछ नहीं कहे थे, यहाँ हम मेरा दुख रहा है, अब मैं जा रहा हूँ भर्ती होकर। अजीत कुमार तो भाई साहब का हमारा कहाँ पहुँचे थे? जोधपुर में, और ड्यूटी के दौरान उनका हार्ट अटैक, मतलब कि उनका मोबाइल ऑनलाइन था, उसके बाद 1 बजे के बाद उनका मोबाइल फोन याद कर रहे थे हम लोग तो नहीं लग रहा था। उसके बाद हमारे यहाँ रात में 11 बजे खबर आया। किस रेजिमेंट में थे? लेह से आया था तुरंत। जी कहाँ से आए थे वो? लेह से आए थे, चंडीगढ़ लेह से आए थे, कोचिंग यहाँ हुआ था जोधपुर में, तो छुट्टी काटने के बाद वहाँ ड्यूटी गए थे। 15-20 दिन ड्यूटी एक महीना किए थे अभी, तो इसमें उनका डेट हो गया। वहाँ से यूनिट से फोन आया था कि उनकी तबीयत खराब चल रहा है, तो तबीयत खराब की खबर मैसेज आया तो हम लोग बोले कि भर्ती है अभी वो, तो हम लोग फिर अपने में मतलब कि बात कर रहे थे कि जाने के लिए वहाँ पर देखने के लिए। उनकी फैमिली बोली कि भैया जी हमको लेके चलिए वहाँ पे ताकि देखने के लिए, तो बोली कि ठीक है, हम लोग टिकट बनवाने के लिए उसी रात में निकलने के लिए। उसके बाद वो 1 घंटे के बाद मैंने यहाँ पर फ़ोन किया उनके इंतजार के पास, तो बोलेगा कि आप लोग घबराइए मत, हम लोग अंदर में वो ट्रीटमेंट हो रहा है उनका, बाहर में मतलब कि हम लोग खड़े हैं, जैसे उनका रिपोर्ट आता है हम आपको सुना देंगे। वो फिर आधे घंटे के बाद वो सुना दिए कि उनका आपका केस के राम इस दुनिया में नहीं। एक हम लोग का सारे आदमी का वो सहारा थे हम लोग का, और हम लोग दोनों भाई मतलब कि मजदूरी करने वाले खाने वाले हम लोग हैं, एक हम लोग का सहारा मतलब कि टूट गया। कौन कौन है उनके परिवार में? कितने बच्चे हैं? क्या हमारे भाई साहब का 2 बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है, और हमारे एक लड़का एक लड़की है, उनका भी एक लड़की है, हम लोग 3 भाई हैं। हमारा अजीत कुमार नाम है, उनका सुजीत कुमार राम, और ये हमारा संजीत कुमार छोटा भाई। भाई क्या है? अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।